नमस्ते हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी ठाकुर शार्पिंग क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्रोशेट एपिसोड नंबर 20 में हमने रुमाल के चारों तरफ एक लेस बनाई थी, उसमें हमने पिकॉट स्टिच यूज की और तभी मैंने आप लोगों को ये दो रुमाल दिखाए थे, इन दोनों पे पिकॉट स्टिच से बनी हुई लेस थी। और तब से ही मेरे पास फरमाइश आ रही है कि जो लेस मैंने ये दिखाई थी वो आप लोगों को दिखाऊं। इन दोनों लेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको ये दोनों सिखाऊंगी। आज हम ये वाली लेस सीखेंगे और अगले एपिसोड में ये वाली लेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जिस रुमाल पे या जिस कपड़े पे ये लेस बनानी है उस पे चारों तरफ पिको करा लेंगे। और ये थ्रेड आप सेम कलर का भी ले सकते हैं और कंट्रास्ट भी ले सकते हैं। मैंने अभी ये सेम कलर में एंकर का 20 नंबर का थ्रेड लिया है। अब सबसे पहले इस थ्रेड को रुमाल के नीचे दबा के पकड़ लेंगे और फिर क्रोशिए को बिल्कुल पिको के पास किनारे पे रुमाल में अंदर घुसाएंगे और इस थ्रेड का लूप बना के निकाल लेंगे और फिर एक लूप और बनाएंगे और ये थ्रेड पीछे से खींच के एकदम टाइट कर लेंगे। और दोस्तों, इस थ्रेड को आप बिल्कुल किनारे के साथ ही पकड़े रहे, इसे लेस में ही अंदर दबाते जाएंगे। अब 2 चेन्स और बनाएंगे, मतलब टोटल 3 चेन्स बना लेंगे। उसके बाद रुमाल में नीचे यहाँ पे 2 चेन्स का गैप छोड़ के एक ट्रबल बनाएंगे। अब ट्रबल के ऊपर एक पिकॉट बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे और ट्रबल वाली चेन पे उसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए, इस तरह ये पिकॉट बन गया। दोस्तों, पिकॉट बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी क्रोशेट एपिसोड नंबर 19 में सिखा चुकी हूँ, जिसका लिंक ऊपर आपकी स्क्रीन पर है। अब फिर से एक ट्रबल बनाएंगे और उसके ऊपर भी एक पिकॉट बना लेंगे। फिर एक ट्रबल बनाएंगे और उसके ऊपर भी एक पिकॉट बना लेंगे। हमने ये 3 ट्रबल बनाए और इन तीनों के ऊपर पिकॉट बना लिया और फिर एक ट्रबल और बनाएंगे पर उसमें पिकॉट नहीं बनाएंगे। मतलब हमने ट्रबल तो 4 बनाए लेकिन पिकॉट 3 बनाए। फिर 3 चेन्स बनाएंगे और जितना गैप यहाँ छोड़ा था 2 चेन्स का, उतना ही गैप छोड़ के एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। और दोस्तों, ये चारों ट्रबल बिल्कुल पास पास बनने चाहिए, इनमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करके इसके चारों तरफ लेस कंप्लीट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे हम फिर से 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद फिर 4 ट्रबल्स और उनके साथ 3 पिकॉट, फिर 3 चेन, फिर एक हाफ ट्रबल। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहे, वरना नीटनेस नहीं आएगी। दोस्तों, जब हम कपड़े में क्रोशेट को एंटर करते हैं और फिर लूप बना के निकालते हैं तो कई बार कपड़े का थ्रेड भी उसमें फंस जाता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा कि साथ में कपड़े का थ्रेड ना खींचे। देखिए, इसी तरह इसको आगे बनाते चले जाएंगे। देखिए, ये वाला थ्रेड इसमें इस तरह पीछे दब जाएगा।
दोस्तों इसमें हम जितना डिस्टेंस छोड़ रहे हैं उससे कॉर्नर पे बहुत स्लाइटली कम कर देंगे, जिससे कॉर्नर का शेप प्रॉपर आ जाए। देखिए दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश की एक खूबसूरत लेस तैयार है। इसे आप रुमाल पे ही नहीं, चुन्नी, कोस्टर्स, टेबल कवर, मैट, किसी पे भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी डिजाइन या पैटर्न को कैसे यूज करते हैं। दोस्तों आप लोग भी अगर अपनी फरमाइश का कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई फोटो भेजना चाहते हैं तो आप वो मुझे मेरे फेसबुक पेज पे भेज सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, साथ ही बेल के बटन पे भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। और वीडियो पसंद आई है तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें, साथ ही फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक नमस्ते।